अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हेलो। अस्सलाम वालेकुम उम्मीदवार, सब खैरियत से होंगे। हेलो, आपके साथ लिया है न्यू रिएक्शन की वीडियो। ये वाली रिएक्शन की वीडियो है इंडिया की इंडिया सेकंड बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन, अच्छा वो कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन में सेकंड बुलेट ट्रेन है और ये ट्रेन लाइन है विल चेंज महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र आपने उनके स्टेट्स देखे हुए, बट ये वहाँ पे है, ठीक है, उसके आस पास ही बनेंगे। चले जी, तो अपने रिएक्शन स्टार्ट करें बेटा। जी तो गाइस, मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करिए फिर न्यू एंड आपके लिए वीडियो तो शुरू करते हैं। मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र की जो ये दो राजधानियां हैं, इनको कनेक्ट करने वाली जो बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो डीपीआर या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो रेडी हो गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सबमिट भी कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस और सिग्निफिकेंट लेवल अप है इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट का डीपीआर एक्चुअल में बनाया जाएगा और बाद में रेलवे को सबमिट भी किया जाएगा। मतलब ये है कि रेलवे अभी जो प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग है, फिजिबिलिटी स्टडीज है, इनके बारे में जांच करेगी। चीजें अगर सही निकल कर आती है तो डीपीआर को अप्रूव किया जाएगा और अप्रूव होने के बाद में इस प्रोजेक्ट को फंड करके इसके काम को या टेंडर निकालने का जो काम होता है इसको अप्रूवल दिया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। पहली बात, महाराष्ट्र के अंदर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो बहुत बड़ी है। मुंबई और जो कोकण का ओवरऑल रीजन है ये काफी रिच है, प्रॉस्परस है, लेकिन जैसे जैसे हम ईस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पे हमें गरीबी या कम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने मिलती है। हालांकि नागपुर एक बड़ा इकोनॉमिक हब है, लेकिन जो बीच का एरिया है यहाँ पर जो फार्मिंग है वो भी ड्रॉट प्रोन है। वहाँ पे जो है बारिश ज्यादा नहीं होती, गरीबी है, फार्मर सुसाइड जैसे इशू है और ओवरऑल इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियली भी डेवलप नहीं है। इस लाइन के बनने के वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा महाराष्ट्र के बाकी एरियाज को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली फायदा होगा इस लाइन के बनने के कारण। और साथ साथ जो करेंटली 13-15 घंटों का समय लगता है दोनों शहरों को कनेक्ट करने के लिए बाई ट्रेन, वो घटकर सिर्फ 3.5 घंटे हो जाएगा। और ये एक यूनिक प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि ये देश के अंदर का वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स होगा या फिर दी फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो एक एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे के बगल से ही बनेगा और कोई ज्यादा लैंड एक्विजिशन की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है? रिसेंटली हम जानते हैं कि समृद्धि महामार्ग का बहुत बड़ा सेक्शन ओपन हो गया है, सिर्फ मुंबई और नासिक के बीच का सेक्शन बाकी है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल ये बुलेट ट्रेन बनेगी ये इसी रूट को काइंड ऑफ फॉलो करेगी जिसके अंदर टोटल 15 स्टेशंस को एनविजन किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जब जमीन अक्वायर की जा रही थी समृद्धि महामार्ग के लिए तो फ्यूचर एक्सपांशन के लिए सोचते हुए मीडियन और जो रोड है उसके आसपास में एक्स्ट्रा जमीन ऑलरेडी जो MSRDC है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने अक्वायर कर ली थी, जिसकी वजह से किसी गवर्नमेंट एंटिटी के पास में ये जमीन अब ऑलरेडी मौजूद है। अब इसके वजह से जब ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनेगा तब जो लैंड एक्विजिशन है बहुत ईजी होगा। जहां पर 741 किलोमीटर की जो ये लाइन है यहाँ पर सिर्फ 1250 हेक्टेयर ऑफ लैंड ही अक्वायर करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में बहुत कम जमीन है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से, जिसके कारण यहाँ पर जैसे ही डीपीआर अप्रूव होता है वैसे ही यहाँ पर जो प्रोसेस होगा बिटवीन टेंडरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो सकता है अगर फंडिंग सही से मिल जाए तो। अब ये डिपेंड करता है रेलवे बोर्ड पे, स्टेट कितना कंट्रीब्यूशन देगी है उनके बारे में बात होगा, लेकिन स्टेट कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को पुश कर रही है क्योंकि अभी स्टेट के अंदर करेंटली जो रूलिंग पावर्स के अंदर के बड़े वो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न महाराष्ट्र से है, तो पॉलिटिकली भी ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जरा समझ लेते इस प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट किस तरीके से होगा। शुरू ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली मुंबई से होगा, लेकिन एग्जैक्ट मुंबई से नहीं बल्कि ये थाने से शुरू होगा। थाने यहाँ पर जरूरी इसलिए बनता है क्योंकि आगे जाकर ये देश का पहला बुलेट ट्रेन जंक्शन बनेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो थाने से जाती है इसको थाने से इसलिए डाइवर्ट किया गया है क्योंकि फ्यूचर में जो मुंबई टू बेंगलुरु वाली या मुंबई टू हैदराबाद वाली बुलेट ट्रेन बनेगी उसके लिए भी थाने ही सबसे बड़ा स्टेशन होने वाला है, क्योंकि यही से लाइन्स एक मुंबई की तरफ और दूसरी नीचे डाउन साउथ पुणे की तरफ कंटिन्यू होगी और यही से ये लाइन भी शुरू होगी। और ये थाने का जो जंक्शन है यहाँ से ये लाइन शुरू होती हुई आगे जाएगी शाहपुर, शिरडी, गोठी, करंजलाड, नासिक, औरंगाबाद, जालना, मेहकर, मालेगांव, पुलगांव, वर्धा, खपरी और लास्टली अजनी, जो कि बेसिकली नागपुर ही आ जाता है। और ये स्टेशन जो है इसके वजह से कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे और इनके पास में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। वैसे अब तक प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन एंटिसिपेट किया गया है कि जो टिकट प्राइसेस होंगे यहाँ पर वो रेलवे के फर्स्ट एसी के जो ट्रैवल कॉस्ट होता है उससे 1.5 टाइम ज्यादा होंगे। और जो स्पीड इन ट्रेन की होगी वो होगी 250 किलोमीटर पर आवर की। 11 एरियाज के अंदर इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगा और साथ साथ यहाँ पर जो ये 741 किलोमीटर का रूट है ये ज्यादातर क्योंकि समृद्धि
समृद्धि महामार्ग के ऊपर बना है, तो जो मॉडल टाउन्स बन रहे हैं समृद्धि महामार्ग के, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो समृद्धि महामार्ग है ये सिर्फ रोड प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है। इसका मतलब ये है कि कई गवर्नमेंट ने अलग अलग सिटीज प्लान किए हैं अलग अलग नोड्स के ऊपर, जिनमें से कुछ सिटीज का काम ऑलरेडी शुरू भी हो गया है। यहाँ पर कई पर लॉजिस्टिक्स को फोकस किया जा रहा है, कई पर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को। ये बुलेट ट्रेन जब बनेगी तो ये जो टाउन सब बन रहे हैं उनके ग्रोथ को बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये जो मैंने अभी स्टेशन के नाम बताया, इनमें से अगर नासिक के बाद में हम देखें तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है और वहां पे हमें वो डेवलपमेंट फिर धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेट की गई है वो है 200 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, जिसकी वजह से जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगा वो होगा 1.5 लाख करोड़ रुपीस। जो एयर सर्वे है ये वैसे मार्च 2021 में ही हो गया था इस प्रोजेक्ट के लिए, और एक डीपीआर काम बनने का काम जो है वो नवंबर 2021 में शुरू हो गया था। तो अभी डीपीआर बनाने को काफी समय तो लिया है गवर्नमेंट ने, देखते हैं इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट जो है आगे जाकर चीजें करेगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो गाइस मुझे तो इनकी सेकंड वर्ल्ड ट्रेन तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा तो प्रोजेक्ट है ना, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। वैसे जबरदस्त है, कह रहे 15 घंटों का सफर ना आप करेंगे, तो 3 घंटों 3.5 दिन में एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए क्या पॉसिबल है। उसकी स्पीड बड़ी ज्यादा है, उन्होंने इसलिए तो उसका बुलेट की तरह ऐसे जाती है ना। आप अपना ज्यादा टाइम को कम में करके ना अपना काम कर। जो इंडियंस है ना उनकी हर चीज टाइम सेविंग ही होगा, सब कुछ वो और तो सेव करती है, लेकिन वो सोचते हैं उनके लिए वक्त उनके टाइम उनके लिए बहुत है, वो उससे बहुत से बढ़ते हैं। जैसे कि 15 आवर्स की चीज को वो 3 आवर्स में कर ले, 12 आवर्स की बचत। और मैं ये बेटी इस प्योर रिसर्च पे करेंगी कि इनकी कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा है, मतलब सारा वो जिन्हें दाई जहाज से गुजर रहे हैं और सारा बता दी मैप्स में ना ये कुछ। तो जी हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो ये इनकी जब जब हम ये प्रोजेक्ट्स देखते हैं बेटे जिसमें ये कुछ ना कुछ जबरदस्त सा काम हो रहा होता है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेटिंग तो जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं बेटे, तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। दोबारा से रिसर्च हमें भी करनी पड़ेगी। चले जी उम्मीद है और गाइस आपको अगर पता है फर्स्ट बुलेट ट्रेन कौन सी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा हमने एक वीडियो बनाई थी ना वो वाली कौन सी बेटी ट्रेन थी वो भारत वंदे भारत, तो उसमें इन कमेंट्स क्या आ रहे थे कहते हैं तो अभी कितनी बन चुकी हैं जी। तो फिर थैंक यू जी।